देखिए, अगर आप ये देखिए राजीव जी कि वहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन बैठे हुए हैं, और जो तस्वीरें अभी आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं इस पे भी बात करूंगा, तो कौन लोग बैठे हुए हैं? अधिकांश बीजेपी के सांसद हैं, विपक्ष तो बाहर है। और देश की जनता जो है वो देख रही है कि जंतर मंतर पे क्या हो रहा है, जो हमारे मेडल लाने वाले खिलाड़ी हैं उनको, उनके साथ पुलिस कैसा बर्ताव कर रही है, उनको मार रही है, पीट रही है, खींच रही है और बसों में बैठा रही है। उनका कैंप उठा दिया गया वहां से। नरेंद्र मोदी वहां पे कमोबेश बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी को संबोधित कर रहे हैं। ऐसी संसद, ये संसद नहीं है। संसद का औचित्य और संसद का वजूद बगैर विपक्ष के नहीं हो सकता। विपक्ष वहां नहीं है और विपक्ष को लाने की कोशिश नहीं की गई। विपक्ष क्या कह रहा था? विपक्ष ये कह रहा था कि भाई आप वहां पे भारत की जो राष्ट्रपति हैं, जो संसद का हिस्सा हैं, जो संसद का अंग है, संविधान आर्टिकल 79 में जो बताया गया है, आप उनसे उद्घाटन कराएं। ये कोई राजतिलक हो रहा है? आप देखिए किस तरीके की तस्वीरें, और क्या ये 21वीं शताब्दी का भारत है? और ये जो कतार में लोग खड़े हैं, जिन्होंने पूजा पाठ किया है, जिनको बड़े बड़े चार्टर्ड प्लेन से इधर उधर से लाया गया है, तमिलनाडु से और कहाँ कहाँ से, ये वो लोग हैं जो कर्म कांड करते हैं मंदिरों में, पुजारी हैं। तो क्या अब आप देखिए कि इनमें एक भी आपको महिला नहीं है? जितने लोग भी हैं महिला नहीं है इसमें। कोई दलित, कोई मुसलमान, कोई पिछड़े जाति से, कोई आदिवासी नहीं है। यानी ये भारत की तस्वीर नहीं है। जिन लोगों ने ये आज भवन की स्थापना वहां पे की, पूजा पाठ किया है, असली मालिक तो इस देश के, देश की जनता है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर को उस तस्वीर से मिलाइए राजीव जी, जो भारत के संविधान सभा की तस्वीर है, जी जिसमें भारत के तमाम इलाकों से लोग हैं, तमाम जाति और मजहबों के लोग हैं, महिलाएं हैं उसमें, और वो लोग हैं जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है, बलिदान दिया था। इन लोगों ने क्या किया है देश के लिए? ये धर्म गुरु हैं, इनका अपना एक काम है। तो ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एक सामंती व्यवस्था को स्थापित करने के का प्रयास है। उसके सिंबल्स को जो है वो जनता के बीच में, या उसके सिंबल्स को लेजिटिमाइज करने का, उसको स्वीकार्यता का प्रदान करने का काम हो रहा है। और ये बात राजीव जी मैं शुरू से कहता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी की कार्यशैली में और भारत का संविधान, जो भारत की प्रधानमंत्री से अपेक्षा करता है, उनमें बड़ा अंतर है। भारत का संविधान हमको, आपको, दीपक जी को और इस तस्वीर में जो लोग दिख रहे हैं उनको सबको, भारत का नागरिक बनाता है। एक समान, एक जी अधिकार। मुकेश अंबानी के पास भी एक ही वोट है, मेरे पास भी एक ही वोट है, आपके पास भी एक ही वोट है, जो पीछे आपके कैमरा पे है उनके पास भी एक ही वोट है। तो सवाल ये कि जो मोदी साहब क्या स्थापित करना चाह रहे हैं, राजा और प्रजा का काम। और इसीलिए कभी जब भी मैं राहुल गांधी से तुलना करता हूं, तो यही तुलना करता हूं कि आप नरेंद्र मोदी के रोड शो, उनकी रैलियां, उनके कार्यक्रम आप देखिए, उनकी वेशभूषा, तो वो राजे रजवाड़ों वाला पूरा जो वो है, उसको स्थापित करने में लगे हुए, परंपराओं को। वो लोकतांत्रिक परंपराएं नहीं है। वो देश की जनता को प्रजा मानते हैं, यानी जो फ्री में बांट दिया वो कल्याण है। जनता के टैक्स के पैसे से जनता को दे रहे हो। आज भी जो आप कर रहे हो, हवाई जहाज चार्टर प्लेन में बैठ के आपने पंडितों को बुलाया है, ये भी जनता के पैसे से बुलाया है, लेकिन वहां से जनता गायब है और जनता के प्रतिनिधि गायब है। तो ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है राजीव जी। ये अब इस देश को, लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत है यहाँ पे कि अब आप राजशाही यहाँ पे स्थापित नहीं कर सकते, चाहे वो सिंगौल से, चाहे ये चार्टर प्लेन से बुलाए गए पुरोहितों से। देश चलेगा संविधान से, लोकतंत्र से, और
और इसकी मिसाल आज विपक्षी पार्टियों ने दे दी। बिल्कुल, विपक्षी पार्टियों ने, 21 विपक्षी दलों ने इस पूरे प्रोग्राम का, इस नए संसद भवन का के उद्घाटन का बहिष्कार किया है। लेकिन राहुल गांधी ने ट्वीट करके इस अवसर पर क्या कुछ कहा है, ज़रा देख लेते हैं। राहुल गांधी के अलावा भी कई सारे ट्वीट हैं, आपके सामने रखेंगे। देखिए, संसद लोगों की आवाज़ है, राहुल गांधी कह रहे हैं संसद लोगों की आवाज़ है। प्रधानमंत्री संसद भवन के उद्घाटन को राज्याभिषेक समझ रहे हैं, प्रधानमंत्री संसद भवन के उद्घाटन को राज्याभिषेक समझ रहे हैं। ये राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया। इसके बाद एक ट्वीट अभी तुरंत आया है, जिसमें ये जो तस्वीर है, इसको वीडियो में चाहूँगा कि इसका वीडियो दिखाएं, थोड़ी देर में अगर दिखा सकते हैं तो बहुत ज़रूरी है। राज्याभिषेक पूरा हुआ, अहंकारी राजा सड़कों पर कुचल रहा जनता की आवाज़। किसके लिए राहुल गांधी लिख रहे हैं, अभी थोड़ी देर में दिखाता हूं। वो वीडियो ज़रा डाउनलोड करके ज़रूर ले आइए स्क्रीन पर, तो ज़्यादा बेहतर होगा समझना कि एक तरफ नए लोक सदन कह लें, संसद कह लें, क्योंकि लोकतंत्र का मंदिर कह रहे हैं, वो कह लें, जो भी कह लें आप, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है क्या कि जनता की आवाज़ को जहां उठाया जाता है, उसी से 500 मीटर की दूरी पर अगर जनता की आवाज़ को कुचला जा रहा हो, तो क्या अहंकारी राजा सड़कों पर कुचल रहा जनता की आवाज़, जो लिख रहे हैं राज्याभिषेक पूरा हुआ। और राज्याभिषेक की तस्वीर भी ज़रा, जो अभी जो साष्टांग करते हुए जो तस्वीर थी, उसको भी अगर ला सकते हैं तो एक बार फिर से ले आइए, जब तक ये वीडियो आप डाउनलोड करें और स्क्रीन पर लाएं। और फिर सीधा आना चाहते हैं, हाँ ये देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, संसद भवन है, नया संसद भवन, और वहाँ और मंत्रोच्चार और उसके बीच साष्टांग दंडवत होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चर्चा करेंगे, इन सब की चर्चा करेंगे, लेकिन उस तस्वीर को, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको राहुल गांधी शेयर करते हुए, जिस वीडियो को शेयर करते हुए राहुल गांधी लेके आए हैं। लेकिन प्रियंका गांधी को जरा देख लेते हैं, क्या कुछ कह रही हैं प्रियंका गांधी। ट्वीट देखते हैं बिल्कुल, प्रियंका गांधी क्या कुछ ट्वीट में लिख रही हैं। देखिए, प्रियंका गांधी ने भी दो पिक्चर शेयर किए हैं, और आप पिक्चर को देख करके, फोटो देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कुछ कहना चाह रही हैं। लिख रही हैं, खिलाड़ियों की छाती पर लगे मेडल हमारे देश की शान होते हैं, उन मेडलों से, खिलाड़ियों की मेहनत से देश का मान बढ़ता है। भाजपा सरकार का अहंकार इतना बढ़ गया है कि सरकार हमारी महिला खिलाड़ियों की आवाज़ों को निर्ममता के साथ बूटों तले रौंद रही है, ये एकदम गलत है, पूरा देश सरकार के खिलाफ है, यहाँ लिख रही हैं प्रियंका गांधी। ये ट्वीट प्रियंका गांधी का है, और उसमें भी जो तस्वीर है, ये दो तस्वीरें आपके सामने, और इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि एक तरफ नए संसद भवन का उद्घाटन और दूसरी तरफ अपनी ही आवाज़, अगर उनके साथ, इन महिलाओं के साथ, इन खिलाड़ियों के साथ अगर गलत हुआ है और वह आवाज़ उठाना चाहती हैं।